नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 10वीं गणित विषय का होने वाला है, उसके लिए हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। माह अक्टूबर का रहने वाला है आपका, ठीक है, और ये आपका 20 नंबर का होने वाला है। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा, लास्ट में हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है। मैंने आपको कई बार बता रखा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मैं कहीं भी बता देता हूँ वीडियो की पीडीएफ किस तरीके से देखने को मिलती है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे, एक एक सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, पहला दिया गया है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया गया है एक, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या है। अब देखिए, अगर आपको उन्नयन कोण देखा गया, उन्नयन कोण आपको दो प्रकार के कोण होते हैं, एक उन्नयन होता है एक अवनमन कोण। अगर दोनों आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव में ही बिल्कुल अभी आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा उसमें आप कर लोगे बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इसको यह पता चलाना होगा कि टेन में होता है कि साइन में होता है कॉस में। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस आप इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3√3 मीटर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र 0O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर या फिर √119 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर होगा आपका √119 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन आप राइट कर लीजिएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा, तो कितना होगा यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए, यहाँ से आपका हाइट एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है और काफ़ी प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जिसको सॉल्व करोगे तो उसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न दूसरा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को ही स्पर्श करती है तो क्या करती है, केवल एक ही रेखा उसको स्पर्श कर पाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एक रेखा ही स्पर्श कर, आप वृत्त को बनाना और फिर उस एक बिंदु ही आपको वहां पर स्पर्श करती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। किस तरीके से होता है वो मैं आपको अगर चाहते हो सर हमें बताइएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। पहला दिया गया है 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, नाव की पुल से क्षेत्रीय दूरी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 मीटर। क्यों होगा 25 मीटर, क्योंकि इस 45 का मान 1 होता है अगर आप कर्क सोर्स अवनमन कोण में, तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देखिएगा जब दो बिंदु एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वो आपकी छेदक रेखा ही कहलाते हैं। छेदक रेखा, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रीय तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षेत्रीय रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो क्या सत्य है या फिर असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। चलेगा, अगला प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं इसके बाद हम इस सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। वृत्त के पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कर लेना। इसके बाद 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन सभी दिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अब PDF किस तरीके डाउनलोड करना सर इन क्वेश्चनों की, तो आपको गूगल पर सर्च करना है SK Teach सर्च करना, उसके बाद आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।